प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पदभार संभालते ही पहला सर्कुलर जारी किया। उन्होंने मीडिया को भी अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विक्टिम फ्रेंडली पुलिसिंग ही उनका लक्ष्य होगा। इसके लिए पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण और आदतों में सुधार करते हुए उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सिपाही से लेकर डीजी तक को कार्यशैली में सुधार करना होगा। यदि कोई भी इस सिद्धांत से परे हटकर काम करेगा तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस ऑफिसर शुड बी विक्टिम फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली। हमें बदमाशों में हमारा खौफ होना चाहिए, शरीफों में नहीं। शरीफों को हमें सम्मान करना सिखाना है, तो पुलिस के एटीट्यूड में चेंज लाना है और शिकायतों के निवारण पर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी। तो आदमी जो है उसका ग्रीवेंस हर हालत में रिड्रेस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि थानों में जन शिकायतों को शत प्रतिशत रिसीव कर समय पर उनका निस्तारण किया जाएगा। शिकायत रिसीव नहीं करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाएगा। साइबर सुरक्षा को डीजीपी ने प्रमुख चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे साइबर सेल में भी जीरो FIR की जा सके। और टारगेट्स भी हमारे बहुत बड़े बड़े होंगे, छोटे टारगेट नहीं रखते, ठीक है। और सर्टेनली ये भी हमारे टारगेट में से एक होगा कि एक पुलिस मुख्यालय की एक अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा भवन, ये हमारा लक्ष्य होगा। अब उसको कैसे अचीव करते हैं शासन से है? उन्होंने पुलिसकर्मियों की हर समस्या का निस्तारण करने की बात भी कही।